जी ऑफ सिस्टम विल बी ग्रेटर देन जीरो होगा, सब सहमत हो? ओके, लेकिन अगर एक प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि इसी सिस्टम का जो एनर्जी है वो होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, एक समय रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, जबकि ये भी एनर्जी ही है सिस्टम का ना, दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बट दिस कैन बी निगेटिव बट दिस कांट बी निगेटिव, इसका लॉजिक क्या होगा? शायद हम लोग वहां पे सिर्फ एनर्जी मैग्नीट्यूड टर्म में बात कर रहे हैं। आवाज कट, एक मिनट रुको, मैं आवाज सुना, अब बोलो, मेरा आवाज नहीं आ रही थी भैया। वो शायद वो जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी मैग्नीट्यूड, और ये एनर्जी तो एनर्जी होता है ना, एनर्जी इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो तो वेक्टर है, इसके लिए कुछ है नहीं, तो एनर्जी होगा, उसमें क्या अंतर आएगा प्लस माइनस? किसी के पास और कोई थॉट इसके लिए? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस भैया, बोलो, कुछ भी बोलो जो समझ में आ रहा है, सोचो, नहीं तो 5 मिनट टाइम देते हैं सोचने के लिए, सोच के फिर बताओ। 5 मिनट में स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, तुम लोग सोचो। कुछ आया भैया, जो एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, ये कोई भी रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन कर रहा है उसमें टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसको बताता है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा उसमें हम लोग को सेल्फ एनर्जी को भी देखना पड़ेगा, तो फिर सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी ग्रेटर देन जीरो आएगा। अच्छा,
ठीक है, तो ये सेल्फ एनर्जी प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है ये करना है। अब तुम एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं एक स्फीयर चूज करता हूँ, लेट अस सपोज हॉलो स्फीयर, इस पे मैंने चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इस सिंगल यही है, मान लो सिर्फ यही है, ओके। अब ये बताओ इसके सेल्फ एनर्जी और इसके इंट्रैक्शन एनर्जी में क्या अंतर है, या दोनों सेम चीज हुआ? इसका इंट्रैक्शन एनर्जी हम लोग मतलब जीरो मान लेंगे, सेल्फ एनर्जी ही मान लेंगे। अच्छा, सेल्फ एनर्जी क्या होता है? जितना मतलब एनर्जी हम लोग को मतलब हम लोग कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस बनाए तो फिर उसमें हम लोग को जितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ वो सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि हमें वहां तक लाने में वर्क करना पड़ता है। हाँ, इंट्रैक्शन एनर्जी भी तो वही होता है। लेट मी एक्सप्लेन करें तो देखो, अगर एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे, और मैंने एक और प्लस क्यू चार्ज को यहाँ ला दिया, अब जो इसका इंट्रैक्शन एनर्जी है, जो इसका इंट्रैक्शन एनर्जी दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय, ओके, ये एनर्जी आया कहाँ इसके पास? ये एनर्जी आया कैसे इसके पास? ये तो वही एनर्जी ना जो हमने वर्क किया इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, दैट एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फील्ड। तो तुम यानी कि जो तुम्हारे हिसाब से सेल्फ एनर्जी है वही तो इंट्रैक्शन एनर्जी भी है। दिस इज द इंट्रैक्शन एनर्जी ना, क्यू स्क्वायर बाय ए इंट्रैक्शन एनर्जी हुआ। ठीक है, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात करते हैं। अच्छा चलो, तो तुम कुछ तो गलत बोल रहे हो। एक मिनट, मैं सबका सुनूंगा। एक मिनट, मैं एक चीज बस प्रूफ कर रहा हूँ अभी, जो तुम लोग मेरा हेल्प करना बस। एक हॉलो स्फीयर जैसे होता है, इस पे चार्ज मैंने प्लस क्यू डाल दिया, ठीक है, रेडियस आर मान लो, तो इसका सेल्फ एनर्जी कितना होता है? ठीक है, एक बार डिराइव करते हैं कि कैसे ये डिराइव होता है, हाउ वी डिराइव इट, कैसे डिराइव कर सकते हैं इसको। आई थिंक कि ऐसे डिराइव किया जा सकता है, दे देते हैं उसके बाद फिर डीक्यू चार्ज डालते हैं। ठीक है, फिर जो वर्क निकलता है उसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो यानी पहले हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज इस पे है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, अब हम लोग जब डीक्यू चार्ज बाहर से लेके आए, तो अब बताओ ये फॉर्मूला किसका है? ये इंट्रैक्शन एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी है, ओके। अब इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम जीरो टू क्यू, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये किसका आया, ये क्या आया, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर क्या है? तो अब हमें बताओ कि सेल्फ एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी में क्या अंतर हो गया? भाई वो जो ऊपर वर्क एनर्जी लिखा हुआ था, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, नेगेटिव वर्क डन, ये हाँ। अच्छा, और जो एनर्जी डेंसिटी वो बोलो सही से, जो भी आ रहा सही बोल रहे हो, मतलब जो भी बोल रहे हो अभी तो सही बोल रहे हो, बोलो। और वो खुद सिस्टम में उसका एनर्जी है। अच्छा, सिस्टम में है उसका एनर्जी। मेरे ख्याल से जो हम लोग वर्क करते हैं वही तो सिस्टम का एनर्जी होता है। तो वहां पे जब एनर्जी लिखे हैं उसमें अपने जितना भी मतलब हम लोग ने वर्क किया सबको इंक्लूड नहीं किया है। किसमें, कहां पे, यहां पे, ये वाला माइनस की क्यू स्क्वायर में आया आपने लिखा है। अच्छा, तो कौन सा वर्क हमने इंक्लूड नहीं किया इसमें फिर? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का सेल्फ एनर्जी था वो तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वो ग्रेटर देन जीरो आ गया। अच्छा, तब तो फिर इस सिस्टम का भी एनर्जी इनफाइनाइट होना चाहिए तब तो, यानी कि क्या है मतलब? नहीं नहीं, ये सिस्टम है क्या, छोटा छोटा चार्जेज मतलब फैली हुई वॉल्यूम में, तो पॉइंट चार्जेस है तो फिर फाइनाइट होना चाहिए। पॉइंट चार्जेस है तो फाइनाइट होना चाहिए ना।
बात सही है, कुछ दूर तक सही है तुम्हारी बात कि हमने इसमें इसके बनने का एनर्जी नहीं इंक्लूड किया। ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज ओनली द, अब मैं समझाता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तीन चार्जेज हैं, एक दो और तीन, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। अब जब बाहर से तुम किसी चार्ज को इस पॉइंट पे ला रहे हो, बाहर से किसी, लेते सपोज क्यू फोर, तो जो क्यू फोर पे वर्क होगा, यानी कि जो क्यू फोर के कारण एनर्जी होगा, वो मान लो ऐसे कह सकते हैं क्या, क्यू फोर इंटू भी डी टू क्यू टू, मतलब ये भी डी टू क्यू टू है, प्लस क्यू फोर इंटू भी डी टू क्यू वन, जहाँ पे वो रखा हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्यू फोर को बाहर निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डी टू ऑल आई, जहाँ आई टेंड्स टू वन टू थ्री, ठीक है। दिस इज द वर्क, दिस इज द गेट। तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग सिर्फ उस एनर्जी को देखते हैं, नॉर्मली जो एनर्जी बस इंट्रैक्शन की होती है, इट मीन्स कि जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ ना हमारे वर्क के कारण, इन जनरल जब हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं। लेकिन Q4 के कारण जो Q4 के पास पोटेंशियल आया, हमने उसको नहीं जोड़ा ना यहाँ पे। जब Q4 वहां रखे तो उस पॉइंट पे Q4 के कारण जो पोटेंशियल है उसको तो हमने नहीं रखा, क्योंकि अगर ऐसे सोचे तो Q4 के कारण वहां पे पोटेंशियल अनडिफाइंड हो जाता है। जहां पे कोई चार्ज है वहां पे उसका पोटेंशियल हम लोग कुछ नहीं मानते। इस केस में हमने क्या किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो जोड़ा वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के कारण ही जोड़ा। बट इन दिस केस क्या होता है, जब हम लोग एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका एनर्जी ऐसे लिखते हैं, सिस्टम का एनर्जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, रो इंटू भी इंटू डी टॉ का समेशन। ये डी टॉ वॉल्यूम के छोटा सा एलिमेंट के लिए, डी टॉ मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ क्या है ना कि जब सिस्टम ऑफ चार्जेज होती है ना, तो जिस पॉइंट पे ये लिख रहे हैं हम लोग, ये भी क्या है, पोटेंशियल है डेड पॉइंट। मान लो ये छोटा सा वॉल्यूम ने कंसीडर किया, यहाँ पे भी चार्जेज लिखे, यहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना चार्ज का, डेट इज रो डी टॉ, ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, ये इतना नेग्लिजिबल टाइप का होता है, इतना नेग्लिजिबल टाइप का होता है कि हम लोग मानते हैं कि इसके खुद के कारण उस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा। इसका मतलब जब हम लोग इस फॉर्मूला के यूज करके जब किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का एनर्जी लिखते हैं ना, तो हम लोग हर एक चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्रिएट किया गया, जो पोटेंशियल क्रिएट किया गया उसका लिखते हैं, यानी यहाँ जो भी लिखा गया वो हर एक के द्वारा लिखा गया है। बट इन दिस केस वी मिस दिस वाला दिस पार्ट, इस पार्ट को हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिटिल बिट कन्फ्यूजन ये होता है कि भैया ये भी तो पॉइंट चार्ज ही है, इनका भी तो डायमेंशन बहुत छोटा होता होगा। बट बात क्या है ना कि जब सिस्टम को कंसीडर करते हैं ना, तो सिस्टम इतना टाइटली पैक्ड होता है ना, इतना टाइटली पैक्ड होता है, मतलब हम लोग जब बहुत ज्यादा टाइटली पैक करते हैं किसी सिस्टम को, तो हम लोग क्या मानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को अगर वहां से हटा भी देंगे ना, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि जो चार्ज होती है वो कैसी होती है, उनको हम लोग क्वांटाइज्ड होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें इंटीग्रेशन का यूज कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे चार्ज कंपोज हो जाती है, डेट्स वाई हम लोग क्या कर पाते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर पाते हैं। जबकि इंटीग्रेशन का यूज कर पाना यहाँ पे मुमकिन नहीं था, क्योंकि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है क्या, जो सिस्टम के केस में ना हम लोग वो चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं वहां से कि उस पॉइंट पे उसके द्वारा जो पोटेंशियल है वो भी कुछ आएगा, मतलब वहां नेग्लिजिबल है। बस इस केस में हम नहीं कर सकते उस चीज को नेग्लेक्ट। और बात यह है कि इन जनरल जब हम लोग किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं या किसी चार्ज के सिस्टम को स्टडी करते हैं जो कि डिस्क्रीट होता है, दिस इज डिस्क्रीट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमें सिर्फ इंट्रैक्शन एनर्जी, वो इंट्रैक्शन एनर्जी से मतलब है जो अलग अलग चार्जेस के कारण आ रही है, खुद के कारण क्या है उससे हमें मतलब नहीं होता, क्योंकि चार्जेज हमें रेडीमेड दी जाती है, हमें चार्जेज बनाना नहीं होता। इसलिए हम लोग बेसिकली जो एनर्जी होता है ना, हम लोग इस टाइप में ज्यादा प्रीफर करते हैं डिस्क्रीट के लिए, और दिस इज फॉर कंटिन्यूअस, ये वाला कंटिन्यूअस के लिए। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसमें कि क्या, या फिर कोई डाउट हो स्पेसिफिक?
एक बात ध्यान रखो, जो सेल्फ एनर्जी होता है ना, सेल्फ एनर्जी एंड इंट्रैक्शन एनर्जी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए सेम ही होंगे, उसको मानेंगे हम लोग। बट अगर तुम एक सिंगल चार्ज के लिए चले जाओगे ना लेने के लिए, तो सेल्फ एनर्जी तो इनफिनाइट होता है, तो वहां सेल्फ एनर्जी का फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। और अभी तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए बहुत बड़ी इंबरेसमेंट की बात है कि एक सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इनफिनाइट होता है। क्यों होता है, क्यों इंबरेसमेंट की बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी इनफिनाइट होता है, बट एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए सेल्फ एनर्जी उसके इंट्रैक्शन एनर्जी को ही मानते हैं, ये ध्यान रखना। पॉइंट चार्ज पे तुम उसको अलग कर सकते हो, डिस्क्रीट चार्ज के लिए तुम उसको अलग कर सकते हो, बट फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज दैट इज नॉट, मतलब वो अलग नहीं है फिर वहां से। ठीक है अरविंद, समझ में आया? हाँ भैया। अदवे यस भैया। ओके चलो, तब एक क्वेश्चन किया, नहीं क्वेश्चन नहीं आपने। अच्छा एक और चीज मुझे बताना, एक और क्वेश्चन है उसका मैं वो डिस्कस करता हूँ डाउट। जैसे एक कंडक्टर मान लो, वी हैव अ कंडक्टर, ओके, और एक कैविटी है, कंडक्टर है इसके अंदर कैविटी है, दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज कैविटी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखता हूँ, ठीक है, बाहर अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा गया, कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तो पढ़ ही रखे हैं, इस क्यू के कारण से इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस तरफ पॉजिटिव थोड़ा मोड़ा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एक समय के लिए मान लेते हैं प्लस है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या ये समझते हैं, हमने गॉसियन सरफेस ये चूज किया, ठीक है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर, तो हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के थ्रू जो हमारा फ्लक्स होने वाला है वो जीरो होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है, yes, जीरो। यानी कि गॉस लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो, ओके, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्यू इनक्लोज्ड बराबर जीरो। अच्छा अब क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो दो तरीके से हो सकता है, पहला कि अंदर कोई चार्ज ही ना, कोई चार्ज ना हो, और दूसरा ये हो कि अंदर तो चार्जेज हो लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस हो, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज हो। लेट अस सपोज इस बार यहाँ पर कैविटी के अंदर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ उतना ही माइनस चार्ज है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि क्यू इनक्लोज जीरो होने का हमारे पास दो तरीका है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। अब तुम लोग को बताना है क्या दोनों दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही है, या दोनों सही हो सकते हैं, या क्या, यानी आंसर तुम लोग को बताना है कैसे, कि क्या पहला सही है या दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों हो सकता है, या सिर्फ पहला हो सकता है या सिर्फ दूसरा हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना बोल दो। हाँ भाई तुम्हें फिर, हाँ भाई ठीक है, तो करो देखो, पहला वाला सही हो सकता है, पहला वाला सही हो सकता है, ओके भैया, दूसरा वाला मतलब सही हो सकता है, दोनों मतलब सही, दोनों सही हो सकते हैं ना। हाँ अच्छा, दोनों सही हो सकते हैं, और क्यों, दोनों क्यों सही हो सकते हैं भैया? अगर कंडक्टर अगर कैविटी में कोई चार्ज रखे तो उस पे भी कुछ कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज होगा, सिम और अंदर अंदर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज इनसाइड उस सेकंड केस को। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अंदर कोई चार्ज मैंने कैविटी के अंदर नहीं रखा है, लेकिन ये जो प्लस माइनस मैंने कहा ना, ये मतलब इंड्यूस हो गया किसी कारण से, मुझे नहीं पता, बट क्या ये हो सकता है, तुम लोग को ही बताना, पहला दूसरा में फिर आप सोचो। पहला वाला, लेकिन हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इंटैक्ट कंडक्टर, तो इंटैक्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चार्ज इक्वल जीरो होना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है ना, तो वो तो मैंने कहा ना चार्ज जीरो होगा, ठीक है,
चार्ज जीरो होने का दो तरीका, एक तो या तो अंदर चार्ज ही ना हो और एक हो कि जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज हो सरफेस के अंदर, कैविटी के सरफेस पे, सरफेस पे कैविटी के सरफेस पे जितना प्लस उतना ही माइनस हो, तो दोनों ही केस में तो जीरो हो जाए। जो केस है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा, उस केस में गॉसियन सरफेस के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन पहले वाले केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। हम लोग को पता है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो पहला वाला केस होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर पहला वाला केस देखते हैं तो चलो एक और मजेदार चीज यहीं पे टर्न लेते हैं फिर। अब मैं बोलता हूँ कि चलो दूसरा सही है, एक समय के लिए मानते हैं, लेट अस सपोज कि सेकंड इज ट्रू, फिर मानता हूँ यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया ना, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आने के कारण इसके सरफेस पे कुछ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर गए अपने से। अब किस कारण से कर गए आई डोंट नो कि किस कारण से कर गए, बस मैं ये जान रहा हूँ कि यहाँ प्लस माइनस है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ट्रू सही है, ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल थॉट ले रहा हूँ। एक समय मान लेते हैं कि दिस इज ट्रू, q प्लस प्लस q माइनस इज इक्वल टू जीरो इज ट्रू, और ये ट्रू इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ माना कि अरविंद ने बोला कि भैया इसके कारण हो सकता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ ना कि एक बाहर इस टाइप से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि वो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काट दे और कंडक्टर में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, यानी क्योंकि कंडक्टर के पास इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने मन से चाहे तो कर सकते हैं, जैसे मन चाहे, वो जो मन चाहे सो कर सकते हैं, और हमारे पास ये इंटैक्ट है, हमारे पास ये चीज बिल्कुल इंटैक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो जीरो ही होगा कंडक्टर के, इसको चेंज नहीं किया जा सकता कुछ भी करके, तो यहाँ पे फिर कैसे करेंगे प्रूफ ऑफ। आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन ही समझ में आया, देखो मैं फिर से समझाऊं कि बीच से समझाऊं जहां से अभी शुरू किया था। हाँ, बीच से, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक समय के लिए मान लेता हूँ दिस इज ट्रू, ठीक है, q प्लस प्लस q माइनस इज इक्वल टू जीरो इज ट्रू, यानी कि अंदर पे प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस हो गई है, पता नहीं कैसे लेकिन हो गई है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब तुम बोले कि भैया अगर ये ऐसी होगी तो फिर इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो तुम ये तो मान रहे हो ना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो वो इम्पॉसिबल है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्लस और माइनस, प्लस जैसे इस पे प्लस माइनस आई वैसे बाहर के सरफेस पे भी कुछ इस टाइप का चीज हुआ, बाहर के सरफेस पे भी कुछ इस टाइप का बदलाव आया कि वो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही थी ना उसको काट दे, क्या कर दे, काट दे, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के पास इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पैदा होगा अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव करेंगे कि काट दे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो वो केस हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या ऐसा केस, वो कंडक्टर सिर्फ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मानते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी कर सकता है भैया, इलेक्ट्रॉन इसी को आके क्यों ना न्यूट्रलाइज कर दे, अगर इतना ये क्रिएट कर ही रहा है तो इसी को आके न्यूट्रलाइज कर दे, दैट इज आल्सो अ चॉइस। बात वही है, बात तुम लोग का आंसर आ रखा है, मुझे पता है तुम लोग का आंसर एकदम सही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, और इस कन्फ्यूगरेशन में ऐसा होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कंडक्टर के अंदर अगर ऐसा हुआ तो, और वो एक चीज है जो कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा कर देगी, ठीक है ना, वो डेट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब डेट्स अ गुड आंसर, ठीक है। अब मैं फॉर्मली अगर मैथमेटिकली सोचे इस क्वेश्चन को आंसर देने का, तो लेट अस सपोज मान लो कि सही है, सबसे अच्छा तरीका तो ये होता ना, मान लो कि सही है तो एक समय के लिए मान लेते हैं सही है, अगर मैं मानूंगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, और बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा होगी नहीं क्योंकि बाहर कंडक्टर है, तो इसके बाहर तो कोई फील्ड पैदा होगी नहीं, तो यानी कि फील्ड लाइंस यहाँ से पैदा होकर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यू ऐसे न्यू कंप्लीट कर देता हूँ, ये दिस इज अ न्यू पाथ, ये फील्ड लाइंस नहीं है, बस मैं इस पाथ को कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये नया पाथ है। अगर मैं इस पाथ पे ई डॉट डी एल करूँ तो क्या ये जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा,
तुमको सिर्फ यहाँ से यहाँ आना, नॉन जीरो होगा ना, जबकि ये क्या होना चाहिए, जीरो, होना चाहिए ना। अगर वो जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स तुम्हारा नहीं जीरो हो जाएगा हमेशा। ये क्या दिखाता है कि एक क्लोज्ड पाथ में किया गया जाने वाला वर्क कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के दिस। हाँ, तो अगर मैं ये मानूंगा ना कि ये प्लस प्लस माइनस 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 सरफेस पे है अंदर, अगर मैं ये केस मानूंगा तो दिस विल बी कंजर्वेटिव नेचर उसका हर्ट हो जाएगा उस फील्ड का। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन वही है जो अरविंद बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, वो चीज हर्ट हो जाएगा फिर वहां पे। और एक तरीका वो है बोलने का, फॉर्मली हम वो बोल सकते हैं आसानी से, फॉर्मली हम ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि ये चीज को जीरो होना होगा और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो, दैट्स व्हाई दिस केस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली दिस केस। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कुछ कुछ तुम लोगों ने पूछा था शायद, मेरे एक क्वेश्चन ये था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये किसने पूछा है, एक मिनट, अरविंद ने पूछा है। हाँ अरविंद, इसमें डाउट बोलो, वैसे क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्यूटी लग रही है क्या? हाँ भैया, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा मोशन क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन। देखो वैसे मुझे भी जब मैंने इस क्वेश्चन किया था ना, मतलब मिसाल, तो मुझे भी इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस आंसर निकल जाता है मेरे ख्याल से अगर तुम आंसर हाँ निकाल, थोड़ा बहुत अगर डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे तो आ जाएगा आंसर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर तुम इसको रेडियस मान लो ना, दिस डिस्टेंस, अगर मैं इसको एक मिनट, एक काम करो, इसका स्पीड निकाल लो यहाँ पे, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ई इंटू वी, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो भी बराबर क्या आ गया, ई भी टू बाय एम रूट। ठीक है, अब ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है, टू बाय क्यू बी, एम बाय क्यू बी। ठीक है, अब स्पीड मेरा ये है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस रूट टू ई वी बाय एम, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब आंसर तो मैं भी उस समय निकाल लिया था ये करके, मुझे भी मुझे लगा कि स्टेप डायरेक्शन उसका अलग लग रहा है इसमें। हाँ मेन बात है क्या ना कि मुझे इस बात से दुख है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के अगर डायरेक्शन में होगा तो होगा ही क्यों रिफ्लेक्शन, ये इस टाइप का मोशन। अगर ऐसा होता कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो तो हो सकता था कि पार्टिकल ऊपर उठ जाए नीचे आ जाए, दिस दैट जो भी होना होता होता। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हो सकता है क्वेश्चन 3D में हो कुछ, या 3D डायमेंशन को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हो क्योंकि सोच ना पा रहे हो, और स्टेटमेंट भी लिख दिया दोनों सेम डायरेक्शन में। हाँ वही ना, अब सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो फिर सवाल ये उठता है कि वो फिर फोर्स ही क्यों लगाएगा, मतलब क्यों होगा ही क्यों, तो वही मुझे समझ में इसमें अभी तक नहीं आया। और अगर मैं इससे आंसर लिख के गौर करता हूँ एक समय, मान लेता हूँ कि आंसर जो मैंने लिखा है उससे सोचते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने भी को टाइम पीरियड से, सॉरी टाइम पीरियड को भी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये अगर मैं कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं हेलिकल पाथ की मुझे याद दिलाता है, करना के मतलब कि पाथ सर्कुलर हो रहा है और बड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। हाँ भैया, तो एक उस टाइप का चीज तो समझ में आ रहा है कि ऐसा, लेकिन फिर ये समझ में आता है कि अगर हेलिकल पाथ होगा इसका तो एक स्पीड इसके पास परपेंडिकुलर टू बी भी तो होना चाहिए हेलिकल पाथ के लिए, वो भी नहीं है इसके पास। अगर वो भी नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन हो इलेक्ट्रॉन्स के, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर गए हो यहाँ से, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल तो हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन, वेव ही है इलेक्ट्रॉन भी, वो भी नहीं समझ में आता कैसे इक्वेशन को हम यहाँ पे जो पाथ बनाया वो हेलिकल टाइप का नहीं है, पैराबोला टाइप का बना दिया। हाँ वही 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 मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने बस दो तीन केस ले ली कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं,
वैसे मुझे तो सबसे पहले ये लग रहा था ना, मैं सही बताता हूँ, मुझे लगा हाफ सर्कल है ये, वैसे पार्टिकल ऐसे गए और यूं ऐसे करके आ गए, तो हाफ सर्कुलर नहीं होता इस टाइप का, ऐसा कर रहे हो इस टाइप से मिल जा रहे हो, पता नहीं ये सर्कल तो दिख नहीं रहा, मतलब तो मैं क्लियर इसको नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसको नहीं समझ पाया क्वेश्चन है क्या। आंसर लाने का तो मैंने ला दिया आंसर, बट उससे थोड़ी मतलब होता, सर से पूछना एक बार। कुंदन सर पढ़ाते ना शायद, उनसे एक बार उन्हीं से पूछ के देखना क्या, और हमको भी समझा देना फिर भैया ऐसे करते हैं, कि मेरा भी डाउट ही है ऐसे एक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये किसका डाउट था, एक मिनट अभी कहाँ, ओके हाँ रवि क्या डाउट है इसमें, कंसीडर वन वन फंक्शन इतना टी एन बी नंबर ऑफ फंक्शन फॉर्म इतना सच दैट एफ आई माइनस आई लेस इन टू देन, ओके इसमें क्या दिया है कि एक ए एन से ए एन में जाने वाला वन वन फंक्शन है और एफ एक्स माइनस एक्स लेस देन टू है, देन अगर एफ एक्स माइनस एक्स लेस देन टू है तो एफ एक्स पहला तो वन वन फंक्शन है, वन टू थ्री टू एन, वन टू थ्री टू एन, अगर मैं रैंडमली कुछ भी करने लगूँ तो बात बनेगा नहीं, या तो वन वन से हो सकता है या टू से हो सकता है या हाँ बस या तो वन वन से होगा या टू से होगा, और या तो टू वन से होगा टू से होगा या थ्री से होगा, फोर से हो सकता नहीं, यानी वन के पास टू ऑप्शन, एन के पास दो ऑप्शन, बाद बाकी सबके पास तीन ऑप्शन, तो करके देख लो शायद बन जाए क्या, इसमें कोई दिक्कत है। हाँ इसमें फिबोनाची सीरीज यूज किया। अच्छा फिबोनाची क्या ना, मुझे लगा रेफरेंस करेगा ये यूज, देखते हैं ठीक है। आंसर क्या बी दिया है क्या, आंसर शायद बी होगा, एक बार देख लो, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, तुम लोग ही बनाओ। हाँ एफ एक्स माइनस एक्स अगर लेस देन टू हो तो एफ ऑफ वन के पास क्या क्या ऑप्शन बचता है, या तो वो वन हो या वो टू हो, ठीक है। अगर एफ ऑफ वन वन हुआ, मान लेते हैं अगर मान लो सिर्फ एक एलिमेंट होता उसके अंदर, टी ऑफ वन निकालते हैं तो टी ऑफ वन वन होगा, क्योंकि वन वन तो वन ही हो सकता ना, टी ऑफ वन तो सिर्फ वन ही हो सकता है, ओके। टी ऑफ अगर टू निकाले तो क्या होगा सोचते हैं, टी ऑफ टू यानी कि मेरे पास एक सेट है इसमें एक और दो है, तो इसमें या तो एक दो हो सकता है या दो एक हो सकता है या दो दो या एक एक, यानी कि कितने बन जाएंगे इसके अंदर टोटल, फोर चार बन सकते हैं, टी ऑफ टू फोर आ गया, चार कैसे होगा, एक मिनट, वन वन से टू टू से, वन टू से टू वन से, ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते, अच्छा हाँ एक ये एक ये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कॉम्बिनेशन चार बने, फंक्शन तो दो ही बने ना, थैंक यू, तो यहाँ पे टी ऑफ टू बराबर टू आ गया। अच्छा अब अगर मैं टी ऑफ थ्री देखता हूँ तो टी ऑफ थ्री कितना हो सकता है, एक मिनट सोचता हूँ, अगर मेरा कोई एक एलिमेंट नया जुड़ा, मान लो एक कोई एक एलिमेंट अगर मेरे पास नया जुड़ रहा है तो उसके पहले एन माइनस वन के पास कितना तरीका था, टी एन माइनस वन, तो टी ऑफ जो एन होगा वो टी एन, अच्छा हाँ अब देखो बन गया क्वेश्चन, तो देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एन नंबर्स है, ठीक है, वन टू थ्री टू एन, और वन टू थ्री टू एन, अब देखो टी ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, T of n होगा, अगर मैं एक समय मानता हूं कि n n से ही जुड़ा हुआ है, n n से जुड़ा हुआ है एक समय के लिए मान लो, तो जितना n माइनस वन है उसको जुड़ने का कितना चांस तरीका, इतना तरीका, अगर मैं एक समय के लिए मान लेता हूं कि n सिर्फ n से जुड़ा हुआ है, मतलब ये नया n सिर्फ n से जुड़ गया, तो बचा हुआ n माइनस वन को n माइनस वन से जुड़ने का इतना ही तरीका हुआ ना, टी ऑफ एन माइनस वन। अब अगर मैं एक समय के लिए मानता हूं कि जो एन है
वो n माइनस वन से जुड़ा हुआ है और n माइनस वन n से जुड़ा हुआ है, समझना। मैं ये मान रहा हूँ n, क्योंकि n मैक्सिमम n माइनस वन से जुड़ सकता है, n मैक्सिमम n माइनस वन से जुड़ सकता है और n माइनस वन n से जुड़ सकता है। अगर ये केस हो गया तो जो बचे हुए हैं कितने हैं, tn माइनस टू है ना, तो यानी मैं n के रिस्पेक्ट में निकालने का कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल कितने हो सकते हैं, n के रिस्पेक्ट में निकालने का कोशिश कर सकता हूँ। या तो n n से जुड़ा हो तब tn माइनस वन हो सकता है, या तो n n माइनस वन से जुड़ा हो तो n माइनस टू हो सकता है। यानी कि जो t ऑफ n है ना वो t ऑफ n माइनस वन प्लस t ऑफ n माइनस टू हो सकता है। समझ में आया? फिर से बताइए। अच्छा अच्छा, किसी को समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ, वैसे किसी को समझ में आया ऐसा जो? हाँ भैया, चलो सर मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझ आता तो मुझे लगता है कोई समझा ही नहीं क्या। अच्छा देखो, अगर मेरे पास, मैं फिर से मानता हूँ सेट है, ठीक है, वन टू थ्री टू एन, वन टू थ्री टू एन। अब बताओ, मैं अभी सिर्फ एन को देख रहा हूँ, देखना एन को, एन किसके किसके साथ जुड़ सकता है, एन के साथ या एन माइनस वन के साथ, सिर्फ दो केस है एन का। हाँ ठीक है, अगर मैं एन को एन के साथ जोड़ दूं, एक समय पहला फर्स्ट केस, तो बचे हुए क्या बच गए, एन को निकाल लेता हूं तो बच गया वन से टू एन माइनस वन तक, और इधर भी वन से एन माइनस वन तक। इसके फंक्शन बनने के कितने तरीके, टी एन माइनस वन। अगर अगर मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं तो उसके बनने के तरीके टी एन, तो अगर एन माइनस वन है तो टी एन माइनस वन, सिंपल सा लॉजिक है ना। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर n n से जुड़ा हुआ है तो टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे, t ऑफ n माइनस वन। सेकंड, अगर n n माइनस वन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर n n माइनस वन से जुड़ा हुआ है तो एक समय के लिए मैं फिर से बनाता हूँ, वन टू थ्री n माइनस वन n, वन टू थ्री n माइनस वन टू n। तो मैंने क्या किया कि n को n माइनस वन से जोड़ दिया, तो n से कौन जुड़ सकता है ये बताओ, n से कौन जुड़ सकता है ये बताओ, n माइनस वन। तो सिर्फ n माइनस वन ही जुड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही n माइनस टू टूटे जुटेगा ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। हाँ, यानी कि अब मेरे पास कितने बच गए, n माइनस टू। तो यानी कि अब टोटल बनने का तरीका यही होगा ना। हाँ, तो यानी कि जो tn बनने का तरीका है, या तो n खुद n से हो तब tn माइनस वन होगा, या फिर n n माइनस वन से हो तब tn माइनस टू होगा। हाँ, तो बस इसीलिए tn बराबर tn माइनस वन प्लस tn माइनस टू हुआ। अब समझ में आया? हाँ, एक बार खुद से भी सोचना इस चीज को, अदरवाइज समझ में आया? किसने पूछा है, कौन है ये, रवि ही है। फॉर अ पॉलीनोमियल ऑफ फॉर्म इतना विच हैज ऑल रूट्स रियल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। क्या क्वेश्चन है ये, फॉर पॉलीनोमियल ऑफ द फॉर्म इतना विथ ए आई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन विच हैज ऑल रूट्स रियल एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। ट्राई करो तुम लोग, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, पांच मिनट ट्राई करो तुम लोग।
अच्छा तुम लोगों ने वो रूल पढ़ी है क्या, जैसे अगर मैं इसे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन दिस दिस दिस, तो जितने बार साइन चेंज होते हैं उतने रूट्स होते हैं उसके, ऐसा कुछ? यस भैया पढ़े थे। तो क्या बोलता है एग्जैक्टली, मतलब वो बोलना क्या चाहता है एग्जैक्टली? एक मिनट क्या बोला फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। ये रूल तो बता दीजिए। अच्छा एक मिनट पूछता हूँ, जैसे एआई जो है वो माइनस वन और प्लस वन हो सकता है ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो मेरा बनेगा वो प्लस, अगर मान लो सब प्लस वन है, सारे के सारे प्लस वन हो गए, अगर सारे के सारे प्लस वन हो गए तो एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू करते 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 वन हो गया, दिस इज इक्वल टू ये हो क्या गया एक्स पे पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अभी ठीक है इसके तो मात्र एक एक भी रूट नहीं होंगे, एक भी रूट होंगे क्या, माइनस वन हो सकता है अगर एन इवन ऑड हो तो, अगर एन ऑड हो तो माइनस वन एक रूट हो सकता है, तो सबका सब अगर प्लस वन ले लूंगा तो भी आंसर नहीं होगा भाई, इसको डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन बोलते हैं शायद। हाँ तो उसमें करते क्या है ये मुझे याद दिला दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल रखा हूँ उस चीज को, मैं भी भूल चुका हूँ। सही है तुम भी भूल चुके हो, और पढ़ने में थोड़ा सा इतना विथ एआई विथ ऑल रियल फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ठीक है, मैक्सिमम साइन चेंज लाया जा सकता है प्लस माइनस प्लस माइनस। एक मिनट फिर से बोलना था क्या नाम बोला था तुमने भी, डिस्क्रीट डिस्कार्टेज, अच्छा डिस्कार्टेज रूल ऑफ ऑफ साइन। अच्छा अच्छा एक मिनट, तो एक बार देखा जाए फिर शायद उससे हो जाए क्वेश्चन, ये आई थिंक उससे हो जाएगा भैया। अगर इवन पावर रहेगा तब हम लोग निकाल सकते हैं, ऑड पावर के लिए बार बार रिमाइंडर बना रहा वन या माइनस वन। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, लीड लास्ट हो गया एक मिनट। पांच मिनट बचा तुम लोग तब तक ट्राई करो, मेरा थोड़ा सा पेन का लीड खुल गया, मैं उसको लगा के फिर आता हूँ ठीक है, तुम लोग तब तक ट्राई करो। हाँ देखो और पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म इतना व्हिच हैज ऑल रियल रूट्स फाइंड द ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको तो ए नॉट को अगर मैं माइनस करता हूँ ठीक है,
1 or 1 हो सकता है भैया, अगर इसमें हम लोग n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो मान लेते हैं कि सबका कोएफिशिएंट 1 है, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका भी तो मतलब सारा रूट रियल नहीं आ रहा है, तो फिर आंसर 3 भी नहीं हो सकता, तो दोनों की होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तुम्हें मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, इसको माइनस और वन ले लेके तुमको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। जैसे इस केस में तुम्हें मैक्सिमम नहीं आ रहा है, अब मान लो मैं ऐसा मानता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं। हाँ वो तो सारे कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होना चाहिए ना। नहीं मतलब यही समझ में आया मुझे अभी तक क्वेश्चन से। Which has all roots real roots, find the maximum value. Which has all roots real. नहीं देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सारे के लिए होगा, तब तो मेरे ख्याल से सारे के लिए में तो कोई भी नहीं आएगा, फिर नॉन ऑफ दी हो जाएगा। बात यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि पॉलीनोमियल्स ऑफ इतना विथ ए आई इज इक्वल टू, यहाँ पे उसको तुमको चूज करना पड़ेगा कि इसमें से क्या देना है, माइनस वन या वन में से। तुमको कुछ कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, सारे कॉम्बिनेशन में तुमको चेक करना पड़ेगा कि किस केस में तुमको होगा, तब तुम शायद कमेंट कर। मेरे ख्याल से तो मैं तो क्वेश्चन को यही समझ रहा हूँ, तब मेरे ख्याल से भाई रूट्स ऑफ यूनिटी से बनेगा। क्या चीज? रूट्स ऑफ यूनिटी। रूल्स ऑफ यूनिटी तुम ट्राई करके देखो, एक बार होता है तो फिर बताना। ये अगर पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है ना, तो फिर पॉलीनोमियल के बेसिस पे तो हो जाना चाहिए इसको, मेरे ख्याल से। क्यों मुझे फंक्शन में क्या होगा? एक मिनट डिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ साइन ही बार बार दिमाग में आ रहा है इसमें। अच्छा पॉजिटिव रूल, पॉजिटिव रियल रूट्स एंड साइन ऑफ एफ एक्स चेंजेस, नेगेटिव रूल एंड नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स। बुझाओ The polynomial f(x) with real coefficient have more plus one positive roots than number of change of sign in f(x) concept. मतलब ऐसे तुमने जो भेजा ना उसका यूज करते हैं एक बार। जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन है x क्यूब माइनस x स्क्वायर x में के लिए प्लस x माइनस 1, अब इसके कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे, हाउ मेनी रूट्स पॉजिटिव एंड हाउ मेनी रूट्स आर नेगेटिव, एक मिनट। तो इनका मानना है कि द पॉलीनोमियल इक्वेशन एफ एक्स विथ रियल कोएफिशिएंट कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव देन नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स, कैन नॉट हैव मोर नेगेटिव रूट देन द नंबर ऑफ साइन ऑफ चेंज इन एफ एक्स। लोकेट जीरो जो कंसीडर ना फॉर एवरी एलिमेंट नियर टू 1 एफ एक्स बी एच लाइक इतना, इसमें प्लस आई माइनस आई और 1 आ रहा है। प्लस आई माइनस आई और 1 आ रहा है इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूल रूट्स कितने होंगे, 1। ओके ऑल रूट्स अगर मैं मानू तो ऐसे करता हूँ, समय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अब इसके कितने होंगे एक बार चेक करना। मेरे ख्याल से तीनों रियल रूट हो जाएंगे इसके, तीनों रूट यस हो जाएंगे, ठीक है। तो discard rules of sine in algebra you will for determining the maximum or positive real roots of polynomial equation 1 by the number of times that sine of 0 agar plus 2 minus acha plus 2 minus plus 2 plus plus 2 minus minus 2 minus so no variation minus 2 plus yahan pe kitne roots exist kiye। आई थिंक
भैया इसका यही मेथड होगा, मतलब एक और साइन चेंज हुआ यानी कि एक रियल रूट नहीं, लंबा मेन बात नहीं है वो। वो रूल अगर समझ बहुत अच्छे से है ना तो आप आराम से यूज कर सकते हो उस रूल का, लेकिन हमारे सिलेबस में होता नहीं है, मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं उस टाइप के रूल्स। एक बार सिर्फ मैं भी पढ़ा हूँ उसको, तो मुझे बस स्ट्राइक किया वही रूल इसमें, क्योंकि क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस प्लस का चक्कर चला रहा है ना, तो आई थिंक कि सिर्फ और माइनस प्लस के चक्कर से हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि साइन की चेंज को ही सिर्फ वो दिखाना चाह रहा है। अगर सिर्फ माइनस और वन और प्लस वन ही दिखाना चाह रहा है, इट मीन्स कि हो सकता है वो सिर्फ साइन के चेंज के थ्रू आपको पूछना चाह रहा हो कितना आप क्या सोच सकते हो, तो हो सकता है स्पेसिफिकली वो उसी रूल का यूज करना चाह रहा होगा इस क्वेश्चन में। मैं उस रूल का बस इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ ना क्योंकि उसने ये दे रखा है माइनस वन प्लस वन, अगर कुछ और होता तो फिर सोचते, बट चूंकि माइनस और प्लस वन ही दे रखा है ना तो मुझे बस वही स्ट्राइक कर रहा है इसमें। ऐसे और कौन सी रूल हो सकती है इसमें, सम विचार रिलेशन अगर सोचे भी तो सम ऑफ ऑल रूट अल्फा बराबर वन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट बराबर वन, अगर ये मेरे पास है सम ऑफ ऑल रूट वन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट वन, अगर एक समय के लिए मानते हैं तो पॉसिबल होगा क्या ये? अच्छा चलो इसको देखना पड़ेगा, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। चलो मैं देख के इसका आंसर भेज दूंगा, स्ट्राइक नहीं कर रहा है इस चीज का बारे में कैसे सोचें। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, वैसे उसका मैं अभी भेज दूंगा करके थोड़ा। अदरवाइज तुम्हारा तो इसका आंसर आया था कैसे यार? सबसे पहले पहले टर्म में पी को लेफ्ट साइड में भेजेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्यू आई पी इक्वल्स टू 4 सबका मल्टीपल वन आ रहा है तो एएमजीएम लगाएंगे। अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन वन आ रहा है तो एएमजीएम एएम। ओके तो फिर 4 माइनस पी प्लस 4 माइनस क्यू यानी कि 12 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके तो 3 9 ओके सही। बिल्कुल सही 9 होगा इसका आंसर, यही एएमजीएम से आ जाएगा। ठीक है तो उसके बाद जो क्वेश्चन था वो है ये वाला, एक मिनट ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। बेस का और कोई तरीका नहीं था पिछले वाले का, इसका एएमजीएम ही इसका तरीका। अगर वैसे नहीं हो रहा तो एक बार काम करो मल्टीप्लाई कर लो तीनों को जोड़ दो, एक साथ करो तीनों को जोड़ दो तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 4 पी प्लस 4 क्यू प्लस 4 आर,
माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ आ नहीं रहा क्या क्या ऐसे किए थे तो कुछ आ नहीं रहा था। अच्छा देखते हैं पी प्लस क्यू प्लस अभी काम करो इसको इधर ले आओ इक्वल टू थ्री पी प्लस क्यू प्लस आर ठीक है तो ओके एक काम करते हैं मैं सोचते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर आ गया हमको। अब एक काम किया जा सकता है क्या ये यहाँ पे एम जी एम अगर लगाएं तो क्या फ़ायदा होगा हाँ एम जी एम लगा के देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कि पी प्लस क्यू प्लस आर बाई थ्री क्योंकि ठीक है इज ग्रेटर इन इक्वल टू पी क्यू आर ठीक है। हाँ वैसे तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर कहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव है तो आप कैसे लगा दे रहे हो एम जी एम तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव नहीं हुए तो क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। अगर मान लो इफ कोई भी निगेटिव है जैसे पहले तो हमें ये प्रूव अगर मैं ये लगा रहा हूँ हो नहीं सकता क्या हुआ ऑप्शन सब तो पॉजिटिव है हाँ नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक भी कोई निगेटिव हुआ पी क्यू आर में से तो क्या अंतर आएगा वो मैं बोल रहा हूँ तो एक बार उस चीज को गौर करते हैं। अगर मान लो कोई एक पॉजिटिव निगेटिव है लेट सपोज पी निगेटिव है बाद बाकी सब पॉजिटिव है अगर पी निगेटिव है तो क्यू भी निगेटिव होगा यहाँ से पता चल रहा है गौर से देखोगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि अगर पी निगेटिव होगा ना तो Q को भी पक्का निगेटिव होना पड़ेगा इफ P इज निगेटिव देन Q मस्ट बी निगेटिव उसी तरह Q निगेटिव तो R निगेटिव यानी कि P Q R तीनों के निगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि तीनों का सम पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था यानी कि तीनों पॉजिटिव है तो अब हम AMGM लगा सकते हैं मतलब मैं AMGM के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि कल को कोई ये ना बोले कि भैया आपने यहाँ पे क्यों लगाया जबकि आपको तो ये दिया ही नहीं है कि पॉजिटिव है ठीक है। अब अगर मैं ये सोचता हूँ तो इसको ऐसे सोच सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री क्योंकि इसको लिख सकते हैं बाय नाइन इज ग्रेटर इक्वल टू दिस और हम लोग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री को लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू पी क्यू आर पे पावर टू बाय थ्री। अच्छा इसका मतलब पी क्यू प्लस आर को पी प्लस क्यू प्लस आर को लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस और पी क्यू आर पे पावर वन बाई थ्री इंटू थ्री यहाँ से लिख सकते हैं और ये इसके बराबर है यानी कि देखो वैसे एक थोड़ा सा थॉट वो दूसरा लेके चलते हैं तो शायद हो जाए। देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुझे ये आया था ना p प्लस क्यू प्लस आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री मैं एक समय के लिए मानता हूँ लेट p प्लस क्यू एम जी एम ट्राई करिए ना फिर से इसी पे। हाँ भैया ठीक है ये आया और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज ग्रेटर एन इक्वल टू पी क्यू आर पावर टू बाई थ्री आया जबकि ये जो चीज़ है ये दिस होल इज इक्वल टू दिस इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वहाँ पे तो नहीं अभी मैं इस पर अकेले ई एम जी एम लगाया हूँ अकेले लगा रखा हूँ उस पर अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा वहाँ तो पता चलेगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई थ्री इज ग्रेटर एन इक्वल टू पी क्यू आर पे पावर वन बाई थ्री अच्छा नाइन तो यानी कि पी क्यू इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई नाइन इज ग्रेटर देन दिस उसी तरह ये ग्रेटर देन दिस तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है। अगर मैं एक समय के लिए इसका रूट ले लेता हूँ इस तरफ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ से तो अगर मुझे इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आ गया तो बात खत्म हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है हो तो जाएगा इससे मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा बाद में कि जो पहला प्रोसेस था ना दैट इज गुड क्योंकि उससे आसानी से आ जा रहा है
इस प्रोसेस से जाना चाहेंगे तो जा तो सकते हैं, बट आई थिंक कि इसमें प्रॉब्लम आने लगेगा फिर आगे थोड़ा सा गाइड होने के बदले मिसगाइड हो जाएंगे यहाँ से, फिर क्वेश्चन में फिर बह जाएंगे हम लोग। एक मिनट पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय थ्री है ना, अच्छा मतलब उसका जी एम इसके बराबर है स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय थ्री। एक मिनट पी प्लस पी बाय टू इज ग्रेटर देन p plus q by 2 is greater than pq। नहीं अगर ये इसके बराबर है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है भैया, एक बार मेरा सोल्यूशन देखिए ना जो आपको। अच्छा एक मिनट में देख, अच्छा तुमने वेटेड जी एम एम लगा दिया, अच्छा तुमने ये यूज किया है वेटेड ए एम जी एम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर बाय थ्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर ये यहाँ से आया, ठीक है तुम्हारा भी सही है, लेकिन एक मिनट तुमने इसको वेटेड एम जी एम कैसे कहा आखिरकार, ये समझना पड़ेगा। तुमने पी का वेट पी माना, क्यू का वेट क्यू माना, आर का वेट आर मान लिया, तुम्हारे हिसाब से फिर पी स्क्वायर प्लस नहीं नहीं ये वेटेड एम जी एम नहीं है ना वो इंडिविजुअल स्क्वायर का सम और हाँ ये दूसरा चीज हो गया, दिस इज नॉट दैट। इसको बोलते हैं देखो, वो बोलते हैं एफ ऑफ हाँ जेंसन इनइक्वालिटी, हाँ जेंसन इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, दिस इज नॉट वेटेड एमजीएम। जेंसन इनइक्वालिटी दरअसल कर्वेचर फंक्शन के कर्वेचर पे डिपेंड करता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ चलो अच्छा चीज है। वो क्या बोलता है कि जैसे अगर कोई एक मिनट चेंज करने दो मुझे, मेरे ख्याल से तुम लोग पढ़ जेंसन तुम लोग पढ़ रखे हो क्या? यस भैया। तो कोई नहीं फिर मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है तो मान लो एक पॉइंट मैं ये मानता हूँ और एक पॉइंट ये मानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू, जैसे एक समय के लिए मानो ठीक है एक्स इस पॉइंट को मान लेता हूँ और वाई इस पॉइंट एक्स वन और एक्स टू मानता हूँ, एक्स वन एक्स टू, ये पॉइंट जो होगा ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट विल लाई समवेयर हियर एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, और अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कहीं मिडवे में लाई करेगा, और मिडवे में अगर लाई करेगा इट मस्ट बी अपर देन दिस, कहीं ना कहीं ऊपर ही होने वाला है, तो दिस नंबर इज हियर एंड दिस इज हियर। तो वो कर्वेचर के अप डाउन अपसाइड एंड डाउन साइड पर डिपेंड करता है, यानी कि डबल डिफरेंसेशन f' डबल डैश x कैसा है, अगर वही कम होता तो फिर हम लोग छोटा बोलते, हम लोग जानते हैं ना f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का कर्वेचर कैसा होता है, इस टाइप का कर्वेचर होता है ना, इसीलिए वो तुम्हारा इनइक्वालिटी वो हो पाया, तो इसलिए उसके लिए इनइक्वालिटी सॉरी उसके लिए तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है। चलो कोई नहीं, अच्छा दिमाग था जेंसन से इनइक्वालिटी स्ट्राइक किया, बहुत अच्छी बात है। जेंसन्स इनइक्वालिटी हम लोग के सीट में ना कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा था, यानी हम लोग को फॉर्मली पढ़ाया भी नहीं गया था, वो सब सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में दे दिया था, तो उस टाइप से ओलंपियाड के लेकिन पढ़ाया जाता है वो चीज़। चलो
एक और क्वेश्चन था क्या? हाँ ये क्वेश्चन, इसमें मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा तुम्हारा इन्फिनिटी आ रहा है, और किसी ने पूछा? अच्छा एक मिनट रूट थ्री आ रहा है, पहले अद्वै का सुनते क्या क्या उन्होंने। हाँ अद्वै तुमने पहले लॉग लिया, ठीक है, तो 1 by 2n into log of 2n ln 2n plus 3n, ठीक है आगे। फिर लॉपिटल यूज किया। अच्छा लॉपिटल तुमने यूज कर लिया, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? एन के रिस्पेक्ट में ना, आई थिंक एन के रिस्पेक्ट में करना होगा। लेकिन यहाँ लॉपिटल यूज करने का कारण तुम ये बोलना चाहोगे भैया ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, चलो ठीक है तो करते हैं। बनेगा 2 पे पावर n, ये रूट थ्री जो है। हाँ देखो पोस्ट कौन हो, रवि आदित्य हम होस्ट बना दो, ओ थैंक यू। हाँ तो सॉरी नेटवर्क इशू था, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो मैं एन के रिस्पेक्ट में करूंगा जो कि एक नेचुरल नंबर, गलत हो जाएगा ना वो। यस ये रूट थ्री, हाँ रूट होगा तो रूट थ्री। अब हमको एक्सप्लेन करो कैसे होगा भैया, थ्री एन कॉमन लेंगे और टेंशन फील्ड जीरो। अच्छा ये कुछ तुमको ये नहीं लगा कुछ e पे पावर टाइप समथिंग आए ऐसा कुछ, ये 1/xy टाइप का नहीं है, उस टाइप का कुछ लग रहा हो तो कुछ e पे पावर समथिंग टाइप का आंसर आ जाए। होगा क्या ऐसा लगता है? हो सकता है। अरविंद क्या लगता है? हाँ भैया क्या लगता है, ई पे पावर समथिंग टाइप हो सकता है क्या इसका आंसर? ई पे पावर समथिंग टाइप क्यों होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक्सपोनेंट जो है एंटर है जीरो को, तो हम लोग
वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने न्यूमरेटर का जो टर्म है वो दिख रहा है वो जीरो पे एंड करेगा, फिर वही बच जाएगा अंदर। ऋषभ तुमको क्या लगता है करना चाहिए यहाँ पे ई पे पावर समथिंग टाइप? नो सिंपल सा बात है ना, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, पावर भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो क्यों लगाएं? वो तो तब लगाते हैं ना जब एक इन्फिनिटी को टेंड करे और एक जीरो को टेंड करे, ठीक है ना, तब लगता है वो। यहाँ पे तो जीरो, दोनों जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा वन को टेंड कर जाएगा, और जैसे ही वन को टेंड करेगा जैसे रूट थ्री, बस आगे आंसर, ठीक है, तुम लोग अधिकतर आंसर दे ही दिए, पिछला वाला क्वेश्चन भी इजी ही है अगर अदवय की तरह सोचे तो, नहीं तो अगर जेनसन से न्यूक्लियोसिटी किसी को स्ट्राइक करके आ रहे थे ऑल्सो इजी। तो क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, हार्ड इजी सब टाइप के केवीपीयूआई में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो भी मैं सोचा था करवा दूं, तुम लोग तो आज छुट्टी छुट्टी होगा तुम लोग का तो आज। हाँ भैया, तब मेरा क्लास कहीं नहीं कैंसिल करवा दिया, हमको क्यों फंसा दिए? मेरा भी करवा लेते, सब सर का मैसेज आ रहा था कि आज क्लास नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हमेरा आया कि हमेरा होगा, मुझे लगा यार बच्चे मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन है, रुको एक मिनट, तब तो आज टाइम एक्सटेंड कर सकता हूँ ना दो घंटा में। अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एंड इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ऑन ग्रेविटी, इफ रो आर इज पी आर एट आर ग्रेटर देन क्या, इसमें बताना क्या है? वो भैया उसने ऑप्शंस दिया हुआ था, वो ऑप्शंस मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, ये पीवाई क्यू है, नहीं समझ में आ रहा था इसमें क्या करना। अच्छा ठीक, ऑप्शन के साथ भेजना क्योंकि वैसे तो हमें भी समझ नहीं आएगा। चलो ये ट्राई करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, ये भी केवीवाई का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ट्राई करो 5 मिनट कैसे होगा, तब तक मैं उसके क्वेश्चन को ढूंढता हूं कहीं से। मैं सीधा करके भेज दीजिए ना, कौन फोटो? यस भैया, अरे मैंने सीधा ही खींचा था, ये पता नहीं मेरे मोबाइल में गड़बड़ी है कुछ, तुम कर लो ना उसमें जाओ ना उसमें आती एडिट में जाओ खुद ब खुद सीधा हो जाएगा वहां पे, एंगल साफ सीधा करने का ऑप्शन आता है वहां पे। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ऑन ग्रेविटी, spherical body of the concept of the function is strain on gravity r, in the correct option is chalo is question ko bhi dekhenge aaj, acha question hai, kisi ko kuch thought hua isme kaise hoga? क्वेश्चन का कह रहा है 8 sin cube theta minus 7 sin theta plus root 3 cos tower 0 lies in the interval,
ठीक है, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? अच्छा साइन क्यूब थीटा को देख के कुछ चमका क्या दिमाग में, क्या करना चाहिए? साइन क्यूब थीटा का फॉर्म चेंज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो 8 साइन क्यूब थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक समय के लिए 7 साइन थीटा को माइनस 6 साइन थीटा लिखते हैं। अब ये मेरे पास क्या बन गया, 2 साइन 3 थीटा, और ये क्या बन गया, प्लस 2 साइन 5 बाय 3 माइनस थीटा बराबर 0। ठीक है, 5 बाय 3 माइनस थीटा बन गया। ओके, अब इसका 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 बाय 3 थीटा को लिखते हैं 2 प्लस प्लस बाय 2, यानी कि थीटा प्लस 5 बाय 6 माइनस माइनस कॉस में रखेंगे तो माइनस 2 थीटा माइनस 5 बाय 6, अब मेरे ख्याल से बन जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 5 बाय 6 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 5 बाय 6 बराबर 0। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस 5 बाय 6 एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन थीटा बराबर 5 बाय 12 आया। 5 बाय 12 कितना होता है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आंसर किस में, देखो कितना आसान क्वेश्चन है लास्ट ईयर केवीपीवाई का 2017 केवीपीवाई। साइन क्यूब थीटा, क्योंकि मुझे मतलब मैं बताता हूँ मुझे कैसे चमका चलता, मुझे सिंपल दिखा साइन क्यूब थीटा और उसके आगे 8, मेरे दिमाग में सिंपल सा इशारा हो गया, चलो 4 साइन क्यूब थीटा तो मुझे दिख गया, मुझे इसे कहीं से कहीं 3 साइन थीटा लाना है बात बन जाएगा, 7 साइन थीटा दे रखा है बस तोड़ दो 6 साइन थीटा में बात बन गया, वहीं से तुम्हारे पास 6 साइन थीटा आ गया, तुम्हारे पास ये आ गया, बस और खत्म हो गया। इससे अलावा क्या चाहिए बताओ, समझ में आया सबको? ओके, जो क्वेश्चन रवि ने शायद जो क्वेश्चन पूछा उस पे आता है, उसने भेजा है पूरा क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ऑन ग्रेविटी। ट्राई करो तुम लोग भी इसको, होता है क्या, A spherical body of radius r consists of a fluid at constant density and is in equilibrium under its own gravity. Okay, खुद के gravity में equilibrium में है। If rho r is the pressure at r, p r is the pressure at under correct. अगर मैं एक spherical body लूँ जिसके अंदर fluid भरा हुआ है, तो radius r पे जाके देखता हूँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक ऐसे हो जाएगा, सेफ कहा गया। अरे मैं एक सर्कल लेता हूँ, फिर एक सर्कल लेता हूँ, अच्छा फिर से छोटा सा सर्कल लिया जाए, ओके अब देखते हैं क्या होगा। एलिमेंट लेकर बनाना पड़ेगा, क्या क्या एलिमेंट लेकर बनाना पड़ेगा शायद,
एक छोटा सा एलिमेंट पर लेते हैं dr, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर p मानता हूँ, pr मानता हूँ, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे होगा p dr plus dr। अब अगर मैं एक चीज गौर करूं तो अंदर जो फ्लूइड है मेरे पास उसका उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आने वाला है उसके कारण वो कितना होगा, देखो लेट इट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब इंटू आर, यही होता है ना अंदर में। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट डेंसिटी का, तो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। अब अगर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है तो अंदर की तरफ अट्रैक्टिव कितना लग रहा होगा इंटू डी एम, और यही तो तुम्हारा प्रेशर का क्या करेगा, रुक जाओ। अगर प्रेशर ठीक है तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर बैलेंस करेगा इससे, तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ पी आर प्लस डी आर माइनस पी ऑफ आर इंटू वॉल्यूम से एरिया दैट इज फोर पाई आर स्क्वायर। चलो यार नया पेज लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, यहाँ पे तो लगता नहीं होगा। चलो एक बना लेते हैं। ठीक है, मैंने जो इक्वेशन लिखा फिर से मैं लिख देता हूँ, दैट इज जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर जो वहां पे लग रहा होगा। ओके ठीक है, इंटू डीएम को क्या लिख सकता हूँ, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू टी आर। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मुझे इक्वेट करना पड़ेगा पी आर प्लस डी आर माइनस पी आर इंटू एरिया फोर पाई आर स्क्वायर से, दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट डी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर इंटू रो। एक समय के लिए इसको मैं डी पी लिख देता हूँ, ठीक है, चेंज इन डी पी। और मेरे ख्याल से ये जो प्रेशर का चेंज है ना ये कैसा होगा, क्या लगता है? चलो ठीक है, प्रेशर बाहर बढ़ते अगर गया, अच्छा माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर घटते जाएगा, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे घटते जाएगा, तो इनकी कर देते हैं। यहाँ से मुझे पता चला जी एम आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू पी एट आर, मेरे ख्याल से पी एट आर तो यही आ गया, तो ये तो कांस्टेंट है मेरे ख्याल से इतना दूर तक, तो पी एट आर बराबर के इंटू आर स्क्वायर कर देते हैं। अब ऑप्शन चेक करते हैं, एक मिनट आ गया, ऑप्शन चेक किया जाए, ठीक है तो चेक करो कौन आता है क्या दिखता है। मुझे क्या आया था कि पी एट आर इज इक्वल टू के समथिंग इंटू आर स्क्वायर, अब पहला पी एट आर इजिकल टू जीरो तो जीरो आ तो रहा है, लेकिन एक मिनट कुछ गलती हुआ है ना, हाँ कुछ गलती हो गया आई थिंक, ओके 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 इंटीग्रेशन में गलती हो गया, पी एट आर इजिकल टू होना होगा के इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस मस्ट बी द आंसर, बताता हूँ क्यों। चलो मैं एक बार फिर से वहाँ चलते हैं, गलती कहाँ हुआ मैं समझ गया वहाँ पे, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, क्या 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 फिर से बोलना, k का वैल्यू 1/2 होगा। एक मिनट क्यों ये पूरा 1/2, ये पूरा k माना हो, ये पूरा, और ये r से लेके स्मॉल r तक चलेगा और ये माइनस आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों, मैं अभी जस्ट बताता हूँ क्यों, पहले एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पी एट आर,
एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से कौन आएगा। तो मेरा आया पी एट आर बराबर के इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। फिर मेरे पास बचा ये, चेक करते हैं इसका तो क्या आएगा। मेरे ख्याल से ये भी गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से सी आंसर होगा। सी है क्या आंसर भैया? बी और सी। बी और सी दोनों। अच्छा मतलब बी सही है। हाँ भैया। ओ ऐसा क्या, चेक करते हैं एक बार ना। के इंटू आर स्क्वायर इंटू वन माइनस नाइन आर स्क्वायर बाय सिक्सटीन, दिस इज इक्वल टू सेवन आर स्क्वायर बाय सिक्सटीन के, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पच्चीस माइनस दो तेईस, सॉरी नाइन माइनस फोर फाइव आर स्क्वायर बाय नाइन, दिस गोज टू सिक्सटी थ्री बाई एट्टी। अच्छा हाँ ये भी तो सही ही है, सिक्सटी थ्री बाई एट्टी ये भी आ ही रहा है। अच्छा तब हो सकता है कैलकुलेशन देखना, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मुझसे, ठीक है अभी आंसर आ गया। अब चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। एक स्फेरिकल बॉडी इसका रेडियस आर है, ठीक है, कैपिटल आर, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड, उसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, मेरे ख्याल से 8:30 तो हो गया। हाँ कोई जाना चाहता है तो वो मतलब जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद में वो पाँच पॉइंट लिखा के छोड़ दूंगा। अब क्या है ना कि ये पूरा का पूरा जो बॉडी है ना उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वो खुद के ग्रेविटी के कारण, खुद के ग्रेविटी के कारण बैलेंस्ड है। अपने के ग्रेविटी कारण बैलेंस्ड है। अब तुम लोग एक अच्छा चीज बताता हूँ। अपना जो सूरज है ना, सूरज जो अपना सन है, उसके अंदर वो जो उसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका खुद का इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो चाहे तो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही क्रश हो जाए। अगर वो चाहे तो खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही क्रश हो जाए, बट जो उसके अंदर से लाइट या वेव्स निकलती है ना, उसके रेडिएशन प्रेशर के कारण, उसके रेडिएशन प्रेशर कारण वो खुद के ग्रेविटी में क्रश होने से बचता है। ये सन का खुद का मैकेनिज्म होता है कि वो कैसे सर्कुलर या फिर स्फेरिकल बना रहता है। अगर वो चीज नहीं होगा ना तो फिर सन खुद के अथी में क्रश कर जाएगा। उसका कारण क्या, पूरा का पूरा गैस है, या तो लावा या गैस है, सॉलिड तो है नहीं ना सन के ऊपर, तो सॉलिड है। धरती क्या है, सॉलिड है, रॉकी रॉकी प्लेनेट बोलते हैं ना इसको, तो ये अपने ग्रेविटी के अंदर क्रश होने से बचता है। बट सन तो हो सकता है ना, सन हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, लेकिन उन लोग का जो प्रेशर अंदर से निकलता है ना, रेडिएशन प्रेशर टाइप से, वो प्रेशर उनके अंदर लगने वाले ग्रेविटेशन को क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। उसी टाइप का कुछ यहाँ हो रहा है कि जो फ्लूइड है ना उसका प्रेशर उसके ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहा है। अगर मैं एक छोटा सा यहाँ से स्ट्रिप काट लेता हूँ, लेट अस सपोज अंदर कुछ प्रेशर होगा पॉइंट का, बाहर कुछ प्रेशर होगा पॉइंट का। अब अंदर का प्रेशर बाहर फोर्स लगाएगा, बाहर का प्रेशर अंदर फोर्स आएगा, ठीक है। और ग्रेविटी जो है, यानी इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, वो इस पार्टिकुलर एलिमेंट को अंदर की तरफ खींचेगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक स्फेरिकल सेल के अंदर जो फोर्स होता है क्या होता है, एक मिनट, वो होता है जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर माइनस, ये होता है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगता है। यहाँ तक क्लियर है रवि? हाँ भाई। हाँ ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये चीज हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए जो बाहर का प्रेशर, मतलब बाहर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होना होगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, जो प्रेशर यहां से लग रहा है इसको बाहर की तरफ, और एक प्रेशर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंदर से बाहर लगने वाला प्रेशर फोर्स ज्यादा होना पड़ेगा ना, ताकि इस फोर्स को बैलेंस कर पाए। तो यानी कि पी एट आर मस्ट बी ग्रेटर देन पी एट आर प्लस डी आर, ताकि वो बैलेंस कर पाए। तो एक चीज तो तुमको पता चल रहा है ना कि जैसे जैसे हम लोग अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे अंदर आएंगे सेंटर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रेशर है फ्लूइड प्रेशर वो बढ़ते जाएगा। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सबसे बाहरी परत पे ही तो प्रेशर जीरो होगा। सोचो ना, बाहरी परत के बाहर तो कोई है ही नहीं, तो वहां का प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो धीरे जैसे जैसे हम लोग अंदर आएंगे, जैसे जैसे अंदर आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा।
तो अब हम बस आंसर वेरीफाई कर पाए थे, मतलब ये ऑप्शन के कारण। हाँ, इसी चीज के कारण मैं ये बोल पाया कि इसलिए मेरा आंसर जो आया था ना, इसलिए मैं बोला कि गलत आ गया वो, क्योंकि मैं ये समझ गया कि बाहर पे तो कोई प्रेशर है नहीं, इस पॉइंट पे जो फ्लूइड प्रेशर तो है नहीं कुछ भी, इसीलिए वो वाला बात को मैंने काटा। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्रेविटी अंदर जाते तो कम हो रहा है पे। हाँ नहीं, अंदर जाते जाते तो कम हो रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास आया कि नहीं आया, पी एट आर ग्रेटर देन पी एट आर प्लस डी आर, ये तो आया ना मेरे पास। अगर अगर ये नहीं होगा ना तो कैसे स्टेबल हो पाएगा, खुद सोचो तुम एक बार एफबीडी बनाओ तुम खुद से और सोचो कि अगर ये नहीं होगा तो क्या वो स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि फोर्स भी अट्रैक्टिव और बाहर के प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ, तो वो तो क्रश हो जाएगा ना अपने ही ग्रेविटी के अंदर। तुम्हारा जो बॉडी है तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा बॉडी तुमको अंदर क्रश नहीं करना चाहता होगा, लेकिन तुम क्रश हो पाता है अपने भैया वो नहीं बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारा बात। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ग्रेविटी जब अंदर जाते समय कम हो रहा है तो प्रेशर जो होगा उसका भी धीरे-धीरे कम होना चाहिए ना अंदर की तरफ। नहीं देखो, ग्रेविटी के वेरिएशन के कारण प्रेशर के वेरिएशन तो होगा, प्रेशर का वेरिएशन होगा मानता हूँ, बट उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो डिसाइड नहीं कर रहा, वो इंक्रीज वो कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि एक पॉइंट पे जो इंक्रीमेंट आ रहा हो वो कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, लेकिन अंदर आते आते वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम खुद सोचो ना। एक मिनट, एक चीज और सोचते हैं, चलो इसी में ऐसे अच्छा तुम चीज पूछ रही है तो एक चीज देख लो। ये भी जैसे मान लो ये मेरे पास फिर से मैंने उसी को बनाया, अब तुम एक चीज गौर करो, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे फ्लूइड प्रेशर का, वो सबके पूरे के पूरे यहां से यहां तक के लिक्विड के प्रेशर कारण होगा, जितना है भरा हुआ है। हाँ। उसी तरह यहाँ पे जो होगा वो यहां से यहां तक के फ्लूइड के कारण होगा, फिर यहाँ जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के कारण होगा, यानी कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो जो प्रेशर लगाने वाला फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इतना ही बचा ना, पहले पूरा का पूरा फ्लूइड था अब इतना ही बचा सिर्फ। अरे मानो, अच्छा तुम लोगों ने स्कूल पे कभी, स्कूल में कभी ऐसा किया है कि एक बच्चे दूसरे के ऊपर चढ़ गए हो, कभी ये चीज किया है? हाँ। सही, हम लोग क्या करते थे ना स्कूल में, सबसे लास्ट बेंच होता था ना, तो कभी कभी छुट्टी होती थी ना तो सब बच्चे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मतलब लड़के बैठ ऊपर ऊपर चढ़ जाते थे सबको, तो नीचे सबसे गया उसका तो दम घुटना जरूरी है, तो हम लोग क्या करते थे ना कि पहले सबको नीचे डाल देते थे और ऊपर जाके बैठ जाते थे, उसके बाद दस जब तक टीचर नहीं आया तब तक बैठे रहना है, ऐसा होता था। अब खुद सोचो कि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा तकलीफ कम होगा कि बढ़ेगा, इमेजिन करो अपने आप को जगह रख के, जब ज्यादा क्लैरिटी आएगा वो नीचे वाले क्वेश्चन बॉटम क्वेश्चन। हाँ, नीचे वाले पे तकलीफ ज्यादा होगा ना। हाँ, उसी तरह सेंटर पे तकलीफ ज्यादा होगा कि बाउंड्री पे तकलीफ ज्यादा होगा, सोचो। अब इस बच्चे को ना एक परत ऑफ लिक्विड मानो, फर्स्ट परत, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस टाइप का। अब समझ में आया? हाँ। तुम लोग अति हंसते वस्ते हो ना कि नहीं? हाँ भैया, तुम लोग तो इतना सीरियस रहता है ना कि मेरा भी दिमाग कभी काम नहीं करता है। Yes, bro, यार तो लोग स्कूल में मजा मस्ती वस्ती कुछ स्पोर्ट पार्टिसिपेट किए हो कि नहीं अभी तक एक बार भी? अब तो एक कहानी बताते हैं, लास्ट ईयर का नहीं इसी ईयर का बताते हैं। कोटा में ना एक स्कूल है, ठीक है, तो उस स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा था हम लोगों का, मतलब मेरा नहीं चल रहा था, किसी मेरा एक दोस्त था उसका प्रैक्टिकल चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ एक लड़की को ना, वो फिजिकल का चल रहा था, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उस लड़की थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो सर जो फिजिकल लेने आए थे ना वो पूछते हैं कि बेटा सो तुमने कुछ खेला वेला नहीं है आज तक, तो बोलती है सर मैं पिछले 2 साल से ना जेई की तैयारी कर रही हूँ इससे मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर सर उससे पूछते हैं क्या उससे पहले कभी नहीं की है, तो बोलती सर मैं बचपन से ही जेई की तैयारी कर रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है कुछ भी। और सोचो वो बच्ची बचपन से जेई की तैयारी कर रही है और उसको ये तक नहीं पता कि क्या होता है फुटबॉल में या क्या होता है क्रिकेट में,
मतलब इस टाइप का नहीं बन जाना है अपने को, ठीक है ना, कि सर बचपन से ही जेई का तैयारी कर रहे हैं, जन्म लिए जेई का तैयारी करना शुरू कर दिए, कुछ खेले ही नहीं, दिखा ही नहीं आज तक जिंदगी में, पता ही नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप का नहीं कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके अंदर जो फ्लूइड का जो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल लग रहा है, उसको बस क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सोचो जी एम, एक मिनट, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको छोटा सा मास से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रो इंटू 4πr² dr, एंड दिस इज इक्वल टू जो प्रेशर का डिफरेंस है डीपी इंटू एरिया, दैट इज 4πr², दिस विल बी कैंसल आउट। अब एक चीज सोचो, प्रेशर जीरो कहाँ पे है, बाहर के सरफेस पे, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा दोनों तरफ एक समय के लिए, तो इस आर को पहले यहाँ इसके साथ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करते समय मैं क्या सोचूंगा, देखना ठीक है, एक मिनट, इंटीग्रेशन करूंगा तो आर डी आर, ये मैं कर कहाँ से रहा हूँ, आर से स्मॉल आर तक, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो जीरो है कैपिटल आर पे, और स्मॉल आर तक हमें आना, सॉरी पी तक आना, पी एच आर तक आना है हमें, इसीलिए वहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि मैंने ये नहीं गौर किया कि बाहर पे प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अंदर, इसीलिए अब मेरे पास क्या आ गया, जी एम अपॉन आर क्यूब रो आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए माइनस आएगा क्योंकि अंदर जाते जाते घट रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ माइनस आएगा, उस माइनस को इस तरफ ले आओ तो तुमको पता चलेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज पी एट आर, तो हमें इक्वेशन आ गया ना पी एट आर, बस पुट कर लो आ जाएगा आंसर, समझ में आया रवि? हाँ भैया। भैया अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने कि ग्रेविटी का फोर्स एक्ट नहीं कर, मतलब फ्लूइड प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो उस मतलब उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि अगर पहला बात, अगर फ्लूइड नहीं है, ठीक है, तो सॉलिड, मान लो अगर सॉलिड का केस लेते हैं, तब तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, अगर वो सॉलिड है तो नॉर्मल तो बैलेंस कर ही लेगा ना, जो अंदर की तरफ लग रहा है। अगर फ्लूइड नहीं है तो फिर ऐसा होगा ना कि वो फिर डायनेमिक फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन आ ही नहीं पाएगा, फिर वहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन वो नहीं आ पाएगा, वो पता नहीं कुछ कुछ अंदर ही आते रहेगा, अंदर ही आते जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, फिर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा ना, वो फिर अपने इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा फिर वो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जैसा तो कुछ होता नहीं है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में तो एक नॉर्मल फोर्सेस भी होती हैं, हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग फ्लूइड को पुश नहीं कर सकते, सॉरी पुल नहीं कर सकते, फ्लूइड को पुश भी नहीं कर सकते, वैसे तो फ्लूइड को पुश या पुल नहीं किया जा सकता, तो फिर इस केस में पुश पुल वाला तो फोर्स लगेगा ही नहीं, लेकिन सॉलिड में लग सकता है, इसलिए एक सॉलिड वुड वो नहीं होगा कुछ, उसके अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि सॉलिड बैलेंस करेगा, पुश या पुल वाला केस बैलेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे वो श्रिंक होते जाएगा, अंदर ही अंदर चला जाएगा, जिस कारण से फिर पता नहीं हो सकता है वर्लपूल क्रिएट हो या क्या क्रिएट हो, ठीक है ना? हाँ भैया। मुझे उसने जो बोला ना, फिर उसके प्रोफेसर ने उसको बोला ना कि तुम ये तब कर सकते हो, क्योंकि वो चीज कॉमन है, वो बात मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं अंदर कोई बॉल को फेंकूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन लगेगा, लेकिन बाहर वाले को पैराबोलिक लगेगा, लेकिन फिर उसके लिए तो तुम्हें बाहर जाके देखना पड़ेगा या बाहर किसी को रखना पड़ेगा ना, और जो तुम अंदर देख नहीं सकते हो, तो वो तो कोई तरीका नहीं था, मतलब तो वो तो नहीं है उसका सोल्यूशन, ये कंफर्म कर सकता हूँ मैं, बाद बाकी मेरा वाला तरीका सही है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन देखूंगा मैं उस पे ज्यादा, फिर उसके बाद देखूंगा। भैया उस प्रोफेसर ने उस टॉपिक पूछा था, तो फिर उसने बोला था काइनेमैटिक्स और लॉस ऑफ मोशन, तो वो उस टॉपिक को पूछ रहे हैं ना? हाँ वो बात, हाँ वो मैंने भी पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा था कि लॉ ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स से पढ़े। अच्छा मैं देखूंगा, हो सकता है एक्सेलरेशन का क्या चक्कर चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखो उस लेवल पे तो नहीं चेक करा जा सकता मेरे ख्याल से, अगर हम वैसे चेक करना चाहें तो, वैसे मैं सोचूंगा, और अगर मैं तो उसमें मैंने फिर सोचा नहीं, मेरी एग्जाम चल रही थी लगातार पिछले हफ्ते, इसलिए मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मैं गौर करूँगा फिर से, इस हफ्ते थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं देखूँगा। चलो
फाइव पॉइंट्स लिख लो जल्दी जल्दी, तुम लोग का भी ईद बिगड़ गया मेरे कारण। कुछ खाए पिए कि नहीं भैया? अब मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर उसे कैसे हैंडल की? मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर, हाँ वो हैंडल, उसमें हैंडल क्या करना, मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। एक बुक है, देखो उस बुक का मैं नाम हमेशा भुलाता हूँ, लेट मी रिकॉल, बर्मन करके कोई बुक का नाम है क्या? जी एन बर्मन। हाँ जी एन बर्मन, उस बुक को करो, जी एन बर्मन करो भाई, अच्छी किताब है, क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी किताब है, सिर्फ वो क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो प्रैक्टिस इतना होगा ना कि तुम्हारा क्लियरिटी आ जाएगा उसे पूरा। और प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छी किताब है मेरे ख्याल से। और वैसे सर जो पढ़ाएंगे उसको भी ध्यान से रखो, सीखो उससे, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से इस लेवल पे ना, ट्वेल्थ लेवल पे इंटीग्रेशन तुमको बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अप्लीकेटिव होना पड़ता है, उसको मतलब अप्लाई करना आना चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे पास एक बंच ऑफ फॉर्मूले होने चाहिए। वो ऐसा है ना इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से इस लेवल पे क्या होता है कि तुम्हारे पास 100 फॉर्मूला है और तुम 100 फॉर्मूला में बस चेक करके ये देखना कि कौन सा लग रहा है। बाद बाकी जो इंटीग्रेशन जो लॉजिकल पढ़ाई होता है ना वो फर्स्ट ईयर से शुरू होता है, वो अभी तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना, मतलब वो तो ठीक है कुछ कुछ लॉजिकल हम लोग पढ़ते हैं जैसे ग्राफ का एरिया वगैरह या एप्लीकेशन पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ प्योर इंटीग्रेशन का बात करेगा, सिर्फ प्योर इंटीग्रेशन तो उसमें यही है कि तुमको तरीका से पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो एक काम कर सकते हो तुम लोग कि तुम लोग ऐसा करो कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो, उसमें तुमको जितना स्पेशल टाइप का तरीका होता है ना, जितना भी तरीका से बन सकता है उसको लिख लो, और अगर कोई क्वेश्चन ना बने ना कि हमने ये लगा के देखा ये लगा के देखा, तो फिर उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। भैया थॉमस कैलकुलस का था? थॉमस कैलकुलस मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब बहुत, एक तो बहुत मोटी बुक है, उसका मुझे पता भी नहीं चलता था क्या करना है। वो बुक आगे के लिए है ना, मेन बात है, कर सकते हो तुम वो बुक, लेकिन वो बुक आगे के लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे बीएससी के लिए या फिर बीटेक तुम हो तो थॉमस कैलकुलस ग्रेजुएट लेवल की बुक है ना, करने का किया जा सकता है उससे, लेकिन आईआईटीजेई का भी वेरिएशन आ गया। हाँ वो भी है, कर सकते हो उसको, लेकिन मेरे ख्याल से उतना जरूरत नहीं है उसका, तुम सिंगेज और बर्मन कर लो ना, बात बन जाएगा, बहुत अच्छी है सिंगेज और बर्मन, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, मतलब चाहिए नहीं ये मैं बोल रहा हूँ। बाद में कहेगा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एज चाहिए तो उसके लिए तुम ये है ना एक बुक होती है ना आई ए मेरोन यूज कर लेना, आई ए मेरोन यूज कर लेना एक्स्ट्रा एज के लिए, अच्छी किताब है, हाई लेवल की किताब है बस। बार बार अगर इतना मतलब उसके एक टॉपिक के लिए तुम इतना करने लगोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तो इंटीग्रेशन ठीक है उतना तो तुम कर ही लोगे धीरे धीरे सीखने से। चलो पांच पॉइंट लिखा जाए, पांच पॉइंट में क्या लिखना है? आप आई एम एरोन सॉल्व किए हैं? आई एम एरोन में कुछ कुछ टॉपिक्स किए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो कि अपने काम के नहीं है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तो मेरे हाथ में ही है वो बुक तो तो इसलिए ये सब टॉपिक्स को लीव कर देना ही ठीक रहता है उसमें। बार बार की किताब सही है कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, सबके लिए नहीं, सारे टॉपिक्स के लिए सही नहीं है। भैया आप अभी डेली बेसिस पे मतलब कितना प्रॉब्लम्स करते हैं पूरा तीनों मिला के? अभी मैं कितना कर लेता हूँ, जितना मुझे मतलब, एक तो डीपीपीज मिलती है मुझे तो मैं डीपीपीज ही करता हूँ अभी डेली, और कुछ कुछ एग्जाम्स होती हैं और डीपीपीज होती है बस, इसके अलावा तो अभी नहीं। सीट हो रखा है मेरा दो तीन बार, तो अभी उसको छोड़ रखा हूँ, सीट्स तो अभी नहीं करता। मतलब भैया कितना क्वेश्चंस मतलब हुआ डीपीपी एग्जाम्स में? देखो वो 25 क्वेश्चंस होती हैं, और क्योंकि एडवांस लेवल की क्वेश्चंस होती हैं तो टाइम लगता है अच्छा खासा, मतलब अच्छी अच्छी लेवल के क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, डीपीपी बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं तो करने में टाइम लग जाता है,
25 क्वेश्चंस मैक्सिमम करते हैं सबका, बाद में एग्जाम हो गया इसका, फिर डिस्कशन हो गया, बस इसी से बीतता है। चलो अभी मुझे अब लिखने दो, पहले 5 पॉइंट्स कुछ पूछने दो, 5 पॉइंट उनको लिखने हैं। HgCO3.HgO का कलर पता है क्या होता है? ब्राउन रेड। HgCO3.HgO का कलर, अच्छा CuO का कलर पता है? मेरे ख्याल से ब्लैक होता है, ब्लैक। CuCN2 इसका कलर भी शायद ब्लैक ही होता है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद क्रिपिट है या फ्रेंड ब्राउनिश येलो क्रिपिट है, हाँ सॉरी सुन पूरा, अच्छा रुक जाओ, क्या होता है ब्राउनिश येलो लिखा चुके हैं वो कॉपर ऑक्साइड को। अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, तो काट लेना ब्राउनिश येलो, ठीक है CuCN होल्ड ट्वाइस का। के बाद CuSCN, एक मिनट SCN होल्ड ट्वाइस का कलर भी देख लेते हैं, एक मिनट इसका कलर मेरे ख्याल से ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक है ओके। एक और कोई कलर स्विच करना होगा, कौन सा कलर? FeCl3 तो हो गया, Fe3, अच्छा सोडियम मॉलिब्डेनेट, अमोनियम मॉलिब्डेनेट, अमोनियम मॉलिब्डेनेट टेस्ट, एक मिनट NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3 का कलर होता है येलो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3 अमोनियम मॉलिब्डेनेट मैग्नीशियम मॉलिब्डेनेट आयरन मॉलिब्डेनेट, एक मिनट आयरन फॉस्फेट, एक मिनट शायद तुमने बोला ना CO लिखवा रखे हैं तो आयरन फॉस्फेट का देख लेता हूँ एक बार मैं, आयरन फॉस्फेट शायद येल्लो होता है, आयरन फॉस्फेट FePO4, एक FePO4